वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में एक ऐसा गैजेट्स लेकर आए जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो यह गैजेट्स वो क्या है आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं। तो यह गैजेट्स है वो जो अभी डब्बे में बंद है, तो इसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और अनबॉक्सिंग करने के बाद हम इसे खोल कर दिखाएँगे कि इसके अंदर क्या है। तो प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे और प्रोडक्ट को अंदर खोल कर दिखाएँगे कि उसके अंदर क्या है और यह काम कैसे करता है। तो आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि यह एक टॉर्च है और जो कि बिना बैटरी के काम करता है। ना ही इसमें बैटरी लगता है, ना ही बिजली लगता है, ना इसे इसमें सौर प्लेट है जो इसे चार्ज करना है। बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री है, मतलब कोई भी चीज़ इसमें नहीं देना है। आप इसे सिंपली जब चाहे तब जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो आपको चलिए हम इसे खोल कर दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह टॉर्च है। तो टॉर्च का सबसे पहले आपको दिखा दें कि यह नॉर्मल टॉर्च जैसे होता है, यहाँ स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ करने का और इसमें 3 एलईडी बल्ब दिया गया है जिसे हम इस प्रकार से ऑन करेंगे तो देख सकते हैं यह एलईडी बल्ब जल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम इस टॉर्च को यूज कर सकते हैं। तो यूज तो सिंपली इसी प्रकार से करेंगे और जब यह डाउन हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, इसे आप ना ही चार्ज कर सकते हैं, ना ही इसमें बिजली बैटरी डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यह डायनमो सिस्टम पर काम करता है। तो डायनमो इसमें किस प्रकार से इसे हमें घुमाना पड़ता है, घुमाने के लिए इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच दिया गया जिसे हम इस प्रकार से ऑन करते हैं तो यह बाहर की ओर निकलेगा। और बाहर की ओर निकलने के बाद क्या करना है, इसे सिंपली इस प्रकार से हम दबाएँगे। तो यह जैसे ही दबाते हैं डायनमो में कॉइल लपेटा गया है तो वह कॉइल चार्ज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जब हमारा टॉर्च डाउन होता है तो इसे हमें कम से कम 1 मिनट तक कुछ इस प्रकार से दबाना है। तो दबाने के बाद देख सकते हैं दबाते ही हमारा बल्ब जलता है, इसका मतलब यह काम कर रहा है। तो इस प्रकार से यह इसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है कुछ देर के लिए। तो अगर हम इस प्रकार से करते हैं 1 से 2 मिनट तो लगभग यह 1 से 1.5 घंटा तक जलता है बल्ब। तो बहुत ही अच्छा टॉर्च है। आप इसे अगर ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अब टॉर्च के बारे में तो आपको हम बता दिए, अब हम इसे खोल कर दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान लगा हुआ है, इसे कैसे बनाया गया है। एक लेंस लगा हुआ है जो कि यह लेंस फोकस करता है, उत्तल लेंस लगा हुआ है ताकि रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक रोशनी को फैलाया जा सके। तो चलिए हम इसे साइड रख देते हैं और यह इसका कवर है, इसे भी साइड रखते हैं। और अब इसके अंदर देख सकते हैं कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही महीन वायर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह वायर है, यह इतना पतला वायर है कि हमें इसे सावधानी से खोलना होगा या टूट जाने पर यह वर्क भी नहीं करेगा। तो कुछ इस प्रकार से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ नट बोल्ट दिया हुआ है, इसे खोलते हैं। तो देखते इसे खोल कर देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम इसे कुछ उसी प्रकार से फिर से सेट कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप इस कवर को हम अलग रख देते हैं और उनके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं एक स्विच जो प्लास्टिक का है, इस कनेक्शन इस प्रकार से है, यहाँ पर स्विच दिया हुआ है, इसे हम ऑन ऑफ करते हैं। तो देख सकते हैं यह अभी भी हमारा वर्क कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से टॉर्च हमारा काम कर रहा है। इसमें वायर देख सकते हैं इतना पतला वायर दिया हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं इतना पतला वायर से यह काम कर रहा है। और उसके बाद हम चलते हैं तो देख सकते हैं इसमें यह चक्र दिया हुआ है, इसे भी हम साइड कर देते हैं और उनके बाद हम इसे भी हम साइड रख देते हैं। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग की सहायता से यह अंदर जाता है। तो इसे साइड रख दिए, उसके बाद एक स्विच यहाँ है, इसे भी साइड रख दिए। उसके बाद यह एक डोरी दिया हुआ है जिसे हम सेफ्टी के पर्पस से दिया गया है टॉर्च में, तो इसे भी साइड रखते हैं। और अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा तो चलिए हम इसे भी हटा दिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह वो मैग्नेट है, इसके अंदर देख सकते हैं मैग्नेट दिया हुआ है, गोल मैग्नेट है और यह मैग्नेट है। और आपको दिखाते हैं इसमें देख सकते हैं नट, जैसे दिए नट चिपक गया। तो दोस्तों यही वह मैग्नेट है, इसी के आधार पर यह काम करता है, यही मैग्नेट की वजह से यह टॉर्च जलता है। तो चलिए अब एक बार और जला के देखते हैं जलता है या नहीं।
तो दोस्तों अभी देख सकते हैं अभी भी हमारा टॉर्च जल रहा है, तो काम तो अभी भी कर रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर देख सकते हैं यह जो रड दिया हुआ है इसके अंदर देख सकते हैं एक कॉइल है, तो यही कॉइल जो है जब यह मैग्नेट इसके अंदर रन करता है तो वह कॉइल चार्ज हो जाता है, तो यही इसका मैकेनिज्म है। तो कुछ इसी प्रकार से अब यह तो नहीं खुलेगा, यह इसके अंदर चिपका हुआ है। तो आपको दिखा दिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसे बनाया गया है, इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगाया गया, आप देख सकते हैं आपके सामने है, कहीं पर भी कोई बैटरी नहीं है और बहुत ही अच्छा टॉर्च है। अगर आप इसे चाहे जब तक यूज कर सकते हैं, अगर डाउन भी हो गया तो यह फिर ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आया होगा कि यह टॉर्च कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो आपके बीच लाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।